सांदीपनी आश्रम। उज्जैन को यह गौरव भी प्राप्त है कि कभी यहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि सांदीपनी से विद्या अध्ययन प्राप्त किया। गुरुकुल परंपरा अनुसार उन्होंने 14 विद्या और 64 कलाएं यहां सीखी थी। आज भी यहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की अध्ययन करते बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं एवं सामने महर्षि सांदीपनी की मूर्ति है। यह स्थान अंकपात इसलिए कहलाया क्योंकि यहां भगवान कृष्ण अपनी पट्टिका पर लिखे अंक धोकर मिटाते थे। यहां स्थित कुंड में भगवान कृष्ण ने गोमती नदी जल गुरुजी को स्नान हेतु उपलब्ध कराया, इसलिए इसे गोमती कुंड भी कहते हैं। यहां आज भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों के निशान शिला पर देखने को मिलते हैं। यहां श्री कुंडलेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण गुरुजी सांदीपनी से विद्यार्जन करते थे। श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर, यह महर्षि सांदीपनी का तपस्थल रहा है। श्री कुंडलेश्वर महादेव एवं श्री सर्वेश्वर महादेव की गणना उज्जैन के 84 महादेवों में होती है। यहीं पर जगतगुरु श्रीमत वल्लभाचार्य महाप्रभु की 73वीं बैठक है। श्री राम जनार्दन मंदिर, यह भैरवगढ़ से अंकपात आते समय रास्ते में आता है। यह स्थान अत्यंत सुंदर एवं रमणीय है। यहां दो मंदिर हैं, एक राम जनार्दन मंदिर जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतिमाएं हैं, दूसरा है विष्णु जनार्दन मंदिर जिसमें विष्णु जी की प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। सिरवी क्षत्रिय समाज द्वारा नवनिर्मित ये है श्री योग माया नवदुर्गा मंदिर, अत्यंत सुंदर एवं आधुनिक कला का नमूना। मंदिर के अंदर माता चंद्रघंटा देवी की मुख्य मनोहारी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। साथ ही मंदिर में सभी नवदेवियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर के ऊपरी तल पर आई माता जी का मंदिर है एवं इससे ऊपरी भाग में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित है। महाकाल मंदिर के निकट यह परमार युगीन द्वार श्री महामाया और श्री महालाया देवियों का है। यह विशाल द्वार कोट मोहल्ला में स्थित है। द्वार के सीधे हाथ पर श्री महामाया जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है एवं दूसरी ओर श्री महालाया जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के मुख्य द्वार पर शेर की प्रतिमा है। यह द्वार 24 स्तंभों पर बना है। 12 स्तंभ नीचे एवं 12 स्तंभ ऊपर बने हैं। परमार युगीन इस द्वार पर शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूने हमें देखने को मिलते हैं। सांदीपनी गुरु से पढ़कर श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई, विद्या पाकर सारे जग को कर्म की राह दिखाई, ऐसी पावन नगरी जिसमें ऐसी पावन नगरी जिसमें कृष्ण ने पाया ज्ञान। यही बसे कैलाश के वासी यही बसे कैलाश के वासी, यही है शिव का धाम।
बाबा, ओ भोले बाबा। के मंदिर में भक्त जावे, मंदिर में भक्त जावे। योग माया मंदिर में मैया अति सुंदर है सुहावे, अति सुंदर है सुहावे। यही है शक्ति सारे जग की, ओ यही है शक्ति सारे जग की। इनमें लगाओ ध्यान, पंचकोशी यात्रा। उज्जैन की तीर्थ यात्रा में पंचकोशी, चार द्वार, अष्ट तीर्थ यात्राओं का बड़ा महत्व है। पूर्व द्वार के पिंगलेश्वर महादेव, पश्चिम द्वार के बिल्केश्वर महादेव, उत्तर के दूरदेरेश्वर महादेव तथा दक्षिण के कायावरोहणेश्वर महादेव, ये हैं उज्जैन के चार द्वारपाल। स्वयं महादेव शिव ने स्कंद पुराण में पार्वती जी को इन यात्राओं का महत्व बतलाया है। इन यात्राओं में 84 महादेव, 8 भैरव, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 6 गणेश, 24 देवियों तथा 10 विष्णु के दर्शन होते हैं। यह यात्रा श्रावण मास तथा पुरुषोत्तम मास में किए जाने का बड़ा महत्व है। इसी प्रकार यहां सप्त सागर है। ये हैं रुद्र सागर, क्षीर सागर, पुष्कर सागर, गोवर्धन सागर, रत्नागर सागर, विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर। यहां हर सागर में अलग अलग वस्तुएं दान करने का महत्व है। उज्जैन एक धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है। यहां के लोग सरल एवं सौम्य स्वभाव के हैं। आज यह शहर आधुनिकता में भी पीछे नहीं है। बाजारों में चहल पहल हमेशा यहां बनी रहती है। यहां पहुंचने के लिए रेल मार्ग एक अच्छा साधन है। वैसे बस द्वारा भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठहरने के लिए अनेक होटलें, लॉज व धर्मशालाएं हैं एवं मंदिर पग पग पर देखने को मिलते हैं। महाकाल की शाही सवारी। इस नगरी में यूं तो 12 महीने ही धार्मिक त्योहारों का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है, परंतु श्रावण मास में महाकालेश्वर की शाही सवारी का आनंद कुछ अलग ही है। उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र दोनों पद्धति के श्रावण मास में प्रति सोमवार महाकालेश्वर भगवान की रजत प्रतिमा की यह सवारी निकलती है। इस अवसर पर अनेक यात्री दर्शन हेतु आते हैं। गाजे बाजे के संग महाकालेश्वर भगवान को पालकी में सजाकर भक्त आगे बढ़ते हैं। हाथी और बैलगाड़ियों में सवार महाकाल भगवान के आगे पीछे भक्त बाबा की जय जयकार के नारे लगाते हुए आनंद विभोर हो उठते हैं एवं भक्तों की भीड़ अपने अपने घरों से निकलकर बाबा के दर्शन लाभ अर्जित करती है। रामघाट पर यह सवारी पहुंचकर पुरोहित महाकाल का पूजन अर्चन करते हैं। यहां से सवारी आगे बढ़कर नगर भ्रमण करते हुए गोपाल मंदिर पहुंचती है। महाकाल का गोपाल कृष्ण से यह मिलन दर्शनीय है।
पुरोहित एवं भक्त सभी मिलकर बाबा महाकाल की आरती उतारते हैं। अंधेरा होते होते सवारी वापस महाकाल मंदिर पहुंचती है। भक्त और भगवान का ये प्रेम यहीं समाप्त नहीं होता है। भक्तों को इंतजार है महाकाल की शयन आरती का, जो भव्य एवं अलग है। शंखनाद, डमरू, ढोल, मंजीरों से शुरू इस आरती में ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो। निकली सवारी महाकाल के, बम 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 सब बोले, बम 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 सब बोले। चली पालकी शिप्रा जी को देखो हौले हौले, देखो हौले हौले। भक्त तुम्हारी राह निहारे, ओ भक्त तुम्हारी राह निहारे, बैठे पल के थाम। यही बसे कैलाश के वासी, ओ यही बसे कैलाश के वासी, यही है शिव का धाम। महाकालेश्वर के धाम की उज्जैनी है जिसका नाम, चलो महाकालेश्वर के धाम की उज्जैनी है जिसका नाम। भोले बाबा, ओ भोले बाबा, की आरती होवे यह है दृश्य निराला, यह है दृश्य निराला। सर पर साजे गंगा मैया, गले मुंड की माला, गले मुंड की माला। अति पावन अति सुंदर भजलो, अति पावन अति सुंदर भजलो, सब भोले का नाम।